स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राघवन स्वामी आपकी बीएससी पार्ट सेकंड की फिजिकल केमिस्ट्री क्लास ले रहा हूं। यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 और टॉपिक का नाम है ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ लिमिटेशन। ओसवाल्ड तनुता नियम की सीमाएं, इससे पहले वाले पीरियड्स में लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके थे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है, उसका डेरिवेशन हमने देखा। उसके बाद अपन ने देखा उसकी ओसवाल्ड तनुता नियम के उपयोग, और अब ये तीसरा पॉइंट आ रहा है लिमिटेशंस ऑफ ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओसवाल्ड तनुता नियम की सीमाएं। ये आपका थर्ड पॉइंट है। इन तीनों को कवर करके अपना पूरा ये यूनिट तैयार हो जाती है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे। अब ये क्या है, ये द लॉ ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, द लॉ होल्ड्स गुड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फेल्स कंप्लीटली इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कहने का क्या तात्पर्य हुआ, जो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है वह है केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दुर्बल विद्युत अपघट्यों पे ही लागू होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में ये पूर्ण तरह से फेल हो चुका है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया इस नियम को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केसेस में। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक था। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें लिमिटेशंस में, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज डिटरमाइंड बाय कंडक्टिविटी मेजरमेंट बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला लैम्डा अपॉन लैम्डा इंफिनिटी। अब इसमें ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में जो इसका अल्फा का मान है उसको कैसे इन्होंने निर्धारित किया था, उन्होंने करा था बाय कंडक्टोमेट्रिक मेजरमेंट्स, और फॉर्मूला जो इन्होंने प्रयोग में लिया था वो था लैम्डा अपॉन लैम्डा इंफिनिटिव, इसको कैलकुलेट करने के लिए, अल्फा के मान को कैलकुलेट करने के लिए। और तीसरा कारण था जो फेलियर था इसका ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब उन्होंने एक्सप्लेन करा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स प्रबल विद्युत अपघट्य थे उस पर ये ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्यों नहीं लग पाया, क्यों उस पर कामयाब नहीं रहा, क्यों आगे चल के फेल हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस के अंदर। मेन पहला जो कारण था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लागू नहीं हो पाया, उसका कारण था द लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओनली ए पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसोसिएटेड इनटू आयंस एट ऑर्डिनरी डाइल्यूशन। उन्होंने क्या कहा कि ये जो लॉ था ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इस धारणा पे आधारित है कि केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का एक पार्ट ही, एक पोर्शन ही, एक अंश ही डिसोसिएट होता है, वियोजन होता है उसका आयंस के रूप में साधारण तनुता पर एंड कंप्लीटली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता पर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड एट ऑल डाइल्यूशंस, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो पूर्ण रूप से आयनाइज हो जाते हैं प्रत्येक तनुता पे डाइल्यूशन पे, और लैम्डा अपॉन लैम्डा इंफिनिटिव डज नॉट गिव एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अल्फा। पहले इन्होंने पॉइंट नंबर टू में क्या बताया था अपने जो फेलियर का था, अल्फा का जो मान है वो किस तरह कैलकुलेट करा गया था कंडक्टिविटी मेजरमेंट से बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला लैम्डा अपॉन लैम्डा इंफिनिटी का प्रयोग करते हुए अल्फा का मान कैलकुलेट करा था कंडक्टिविटी मेजरमेंट से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए उन्होंने कहा कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं प्रत्येक डाइल्यूशन पे, और अल्फा अपॉन लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा इंफिनिटिव डज नॉट गिव एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अल्फा। उन्होंने बताया कि इसका जो मान है ये एक एक्यूरेट वैल्यू अल्फा की नहीं देता है, ये एक इसका ड्रॉबैक था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे क्यों लागू नहीं हो पाया,
पहला तो हो गया कि इट इज बेस्ड ऑन अ फैक्ट दैट ओनली अ पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसोसिएटेड इनटू आयंस एट ऑर्डिनरी टेंपरेचर डाइल्यूशन एंड कंप्लीटली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं हर एक डाइल्यूशन पे और लैम्डा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी उसकी अल्फा की वैल्यू एक्यूरेट नहीं देता है। दूसरा कारण जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे लागू नहीं हो पाया उसका ये था, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इज वेरी हाई, जब आयंस की सांद्रता बहुत अधिक होती है, उसकी सांद्रता बहुत अधिक होती है, द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस ऑन द आयन appreciably affects the equilibrium. जब सांद्रता आयंस की बहुत अधिक होती है और आयंस के ऊपर जो चार्ज उपस्थित होता है वो equilibrium को affect करता है, साम्य उसको affect करता है. Hence the law of mass action, its simple form cannot be strictly applied in case of strong electrolytes. अब क्योंकि उसकी साम्य अवस्था को affect करता है तो द्रव्य लॉ ऑफ मास एक्शन इस पे लागू नहीं हो पाता है. क्यों? क्योंकि इसके साम्य को वो इफेक्ट करता है तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि जब सांद्रता अधिक होती है आयंस की तो उस पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है आयंस पे वो उसके इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करता है. अतः द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर्म सिंपल फॉर्म में वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे लागू नहीं किया जा सकता है. ये कारण था इसके लिमिटेशंस का. इसको और समझा देता हूं मैं. ओसवाल्ड तनुता का नियम केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे लागू होता है, प्रबल विद्युत अवघटियों पर यह पूर्णतः विफल रहता है. इसकी विफलता के निम्न कारण हो सकते हैं. पहला, यह नियम आरएनए सिद्धांत पर आधारित है जो ये कहता है कि सामान्य तनुता पर विद्युत अवघटीय कुछ मात्रा में वियोजित अवस्था में रहते हैं, जबकि तनुता पर ये पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, लेकिन प्रबल विद्युत अवघटीय प्रत्येक सांद्रता यहां तक कि ठोस अवस्था में भी वियोजित अवस्था में ही होते हैं. आप बात को समझे कि ये नियम आरएनए सिद्धांत पर ही आधारित है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जो ये कहता है कि सामान्य तनुता पर विद्युत अवघटे कुछ मात्रा में वियोजित अवस्था में रहते हैं, जबकि तनुता पर ये पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, डाइल्यूशन पे कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, डाइल्यूशन के साथ कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं. लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो प्रत्येक सांद्रता पर यहां तक कि ठोस अवस्था में भी वियोजित अवस्था में होते हैं. तो ये पहला पॉइंट था इसके फेलियर का, लिमिटेशंस का. दूसरा पॉइंट जो था, ओसवाल्ड तनुता नियम का व्युत्पन्न सैक्रिय द्रव्यमान के नियम के आधार पर किया गया है, जिसमें अणुओं एवं आयनों की सांद्रता के साथ स्थिरांक ज्ञात किया जाता है. जब आयनन पर आवेश की मात्रा अधिक हो, जब आयनों पर आवेश की मात्रा अधिक हो तो वे साम्य को प्रभावित करते हैं, और ऐसी स्थिति में सक्रिय द्रव्यमान के नियम यानी द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लॉ ऑफ मास एक्शन को ठीक से लागू नहीं किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त आयनों का जल योजन भी होता है. अतः ऐसी स्थिति में यदि सांद्रता के स्थान पर सैक्रियता का उपयोग किया जाता है तो बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं. यहां यानी कि इसमें सैक्रियता किसके बराबर होगी, सांद्रता इंटू सैक्रियता गुणांक. अब अपन ने इसको सैक्रियता को रिप्रेजेंट कर दिया सी के द्वारा, मान लीजिए तो सांद्रता हो गई सी और सैक्रियता गुणांक हो गया एफ. तो अब हम कह सकते हैं ए बराबर सी एफ. ये है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की लिमिटेशंस. तब आपका ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एक तरह से पूरा कंप्लीट हो गया. पहले में डेरिवेशन आ गया,
सेकेंड पॉइंट इसका यूजेस आ गया, तीसरा पॉइंट इसका ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का लिमिटेशन आ गया। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है राइट नोट ऑन ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, तो आपको ये तीनों पॉइंट लिख के चाहिए आपको परीक्षा की दृष्टि से। तो अब आपका ये वाला टॉपिक, ये वाला खत्म।